है उस पर गौर रखें। और ये जो पल्सेशन हैं, एक तो है ये जो बड़ी ज़ोरदार सी घूम रही है वो नहीं, ये जो पल्सेशन हैं यहाँ पे सारी वो डबल है या उससे ज़्यादा है, मतलब आनी तो ऐसे ही चाहिए ना बस, लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे एक ही जगह पे ज्यादा तेज है। तो ज्यादा तेज कैसे हो सकता है, हार्ट तो यही चल रहा है, ठीक है। तो वो वीनस है जो ऊपर से गिरती है नीचे आती है, ए सी वी जो वेव बनती है डायस्ली में भी वो नजर आ रही है। और उसको मजीद कैसे कंफर्म करोगे, इसे कहते हैं इधर देखना फुलनेस होता है, पैटोजुगलर रिफ्लेक्स उसको करोगे, ये फुलनेस होता है उसको, ठीक। और ये कई बार यहाँ तक ऊपर तक होता है तो पता नहीं चल रहा होता, वेव फॉर्म्स नहीं होती। कैनन बॉल्स जो है वो अगर हार्ट ब्लॉक है उसमें ज़ोरदार आ रही होगी, वैसे एएफ है टीआर उसको है नहीं है, जेवीपी उस तरह नहीं पकड़ा जाएगा, वेव फॉर्म्स क्लासिकल आएंगी नहीं अगर डिस्टॉर्ट नहीं है। दूसरा तरीकाकार बुक में ये आप इधर से उस कैरोटिड को पकड़े, ठीक है। अब उसमें अगर लाइट उधर से पड़ रही है तो आपका हाथ आगे आ गया खुद अपने ही, ठीक है। नहीं तो इस कैरोटिड को फील करें और इस कैरोटिड को देखें, उससे ज़्यादा स्पीड पर अगर है तो वो जेवीपी है, लेकिन जेवीपी आपको फिर इस तरह करने से सामने आना पड़ता है। आइडली वो आपने टेंजेंट से देखना होता है साइड से, या जैसे बिठा के हम जो कह रहा था ना उसको ऊपर से साइड से देख लो, क्योंकि वो वेव फॉर्म आपने देखनी है कि ये क्या कर क्या रहा है। जो जो वेन्स हैं उनमें पल्सटाइल उस तरह तो होता नहीं है, ठीक है। और ऊपर से वो इतनी वाजे होगी नहीं, उसके ऊपर ही करोटेड पड़ी हुई है और करोटेड की तो अपनी बदमाशी चल रही है और उसकी ज़्यादा नज़र आएगी, उसकी तो नज़र ही नहीं आएगी, उसकी एक ही सूरत में नज़र आएगी जिस वक्त उसकी स्पीड उससे ज़्यादा है। तो आप उसको मैच कर लें आराम से यहाँ से, मैं इससे मैंने आज तक जेवीपी जब भी पकड़ा यहाँ से पकड़ा वो, लेकिन उस जेवीपी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके पास, जेवीपी वेस्ट क्यों है। वैसे तो ये बंदा सारा डिहाइड्रेटेड ही ऑलमोस्ट पड़ा है या नॉर्मल वॉल्यूमिक है, लेकिन जो पल्स आप पकड़ रहे हैं वो हाई वॉल्यूम पल्स है और कोलैप्सिंग पल्स है, वो तो एआर की वजह से। जेवीपी तो राइट हार्ट है, राइट हार्ट में उसको टीआर हो रही है, उसके जेट की वजह से, टीआर के जेट की वजह से जेवीपी आपको हाई मिल रहा है। याद नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जो कॉमनेस्ट है सर, आज ने एक तरीका बताया था वो कि इस तरह यहाँ पे वो पेन रखते थे और वही तरीके आ गए थे कि पहले तो आप उसको फैसला तो करोगे कि वो है कि नहीं, निकाला है कि नहीं, अब वो रेज्ड कितना है, सही, ठीक है। अब आप वो फुटा आइडली फुटा आपने दो छोटे रूलर्स रखे होंगे, एक उसका बेस लाइन आप लेंगे ना, ठीक है, दूसरे को आप उसके साथ मेजर करें उसका कॉलम कितना है, 3 सेंटीमीटर का वाटर है, 4 सेंटीमीटर का वाटर है, क्योंकि आइडली उसको नहीं ऊपर आना चाहिए, है क्या जिग्लोर वीनस प्रेशर, ये आप रफली अब मेजर कर रहे हैं राइट एट्रियल प्रेशर को, राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। तुम लोग थके हुए हो, मैं तुम लोग खपाना नहीं चाहता, नहीं तो एक सवाल है जो कल आप लोगों ने सोच के आना है।